बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सामईन। ब्रेकिंग न्यूज़, ईद उल फितर की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया। इस साल ईद उल फितर पर कितनी छुट्टियां दी जाएंगी? हुकूमत ने ईद की कितनी छुट्टियां मुकर्रर कर दी हैं। ईद पर मुलाजमीन और तलबा की मौजें लग गईं। महकमा मौसमियात ने चांद नज़र आने की तारीख भी बता दी। तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले मोहतरम सामईन, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। महकमा मौसमियात ने चांद नज़र आने की तारीख भी बता दी है कि इस साल 2024 को 8 अप्रैल को शवाल के चांद की पैदाइश हो जाएगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक 9 अप्रैल को ईद का चांद नज़र आने का इम्कान ज़्यादा है। महकमा मौसमियात की खबर के मुताबिक 8 अप्रैल को 11:21 पर चांद की पैदाइश का वक्त मुकर्रर है। इंशाअल्लाह ताला 9 अप्रैल ईद का चांद नज़र आने का इम्कान ज़्यादा है और ये तकरीबन 50 मिनट तक मुख्तलिफ मुल्क के हिस्सों में देखा जा सकता है। अलबत्ता मुल्क के शुमाली इलाकों में क्योंकि मौसम अबर आलूद रहेगा, लिहाजा वहाँ पर नज़र आने के इम्कानात बहुत कम हैं, जबकि मुल्क के बाकी हिस्सों में 50 मिनट तक चांद को देखा जा सकता है। मोहतरम सामईन, इससे पहले रुए तहलाल कमेटी के चेयरमैन जनाब मौलाना अब्दुल कदीर आज़ाद भी ये बात बयान कर चुके हैं कि इस बार जो माह रमज़ान मुबारक का चांद होगा वो 29 का होगा। इस लिहाज से ईद 10 अप्रैल को होने का इम्कान ज़ाहिर किया जा सकता है और इस तरह ये छुट्टियाँ 9 छुट्टियाँ मुकर्रर कर दी गई हैं, क्योंकि छुट्टियों का आगाज़ तकरीबन 8 अप्रैल से 14 अप्रैल तक रखा गया है। लेकिन उससे पहले देखें, 6 को हफ्ता होता है और 7 को एतवार है, तो 2 छुट्टियां ये मिलाकर, उसके अलावा देखें बाकी जो छुट्टियां 14 अप्रैल तक दी गई हैं, यानी 14 अप्रैल में भी आखिर में 2 जो छुट्टियों का इजाफा कर दिया गया, तो 9 अप्रैल तक जो है, 9 अप्रैल से लेकर क्योंकि 13 अप्रैल तक छुट्टियाँ हैं, तो हफ्ता 13 अप्रैल बनती है और एतवार 14 अप्रैल बनती है, तो इस लिहाज से 9 छुट्टियों का इजाफा होगा। तो इस बार तमाम लोगों की मौजें लग गई। वफाकी मुलाजमीन हैं, सूबाई मुलाजमीन हैं, उनकी तरफ से भी ऐलान कर दिया गया है, हुकूमत की तरफ से भी ऐलान कर दिया गया है 9 छुट्टियां दी जाएंगी।